नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी विन प्रोडक्शन में। तो दोस्तों, हम कवर करने वाले हैं जोमा कैरेबियन टिटन का थर्ड मैच है, जो कि दोस्तों पे खेला जाएगा REN वर्सेस HAW टीम्स के बीच। डी प्लान्स करेंगे फुल स्टार प्रेजेंट पर। दोनों टीमों के एक एक प्लेयर के स्टार्ट अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑर्डर से आपको बता दूंगा। इस मैच का टीम कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है हमारा, वो भी आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। दोस्तों, वीडियो लाइक करके शुरुआत करना। यदि आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले मैचेस की वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। दोस्तों, हमारा फाइनल अपडेट आपको मिलेगा, जो हमारी फाइनल टीम मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो अपनी जल्दी से आके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके तुरंत आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, कभी कभार लिंक को रखना करें तो आप डायरेक्टली टेलीग्राम पर सर्च करके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @realFWP, आपको फैंटेसी विन प्रोडक्शन का चैनल दिखेगा। 24,500 के आसपास सब्सक्राइबर होंगे, वही हमारा एकमात्र रियल चैनल है, उसी चैनल को अपने ज्वाइन करना। दोस्तों, मैंने उसके कुछ फेक चैनल भी बने हैं, तो प्लीज आप उनसे सावधान रहिएगा। और रीजन नेम @realFWP देख के 24,500 के आसपास सब्सक्राइबर देख के हमारे रियल टेलीग्राम चैनल को ही आपने ज्वाइन करना है। दोस्तों, बात करें मैच की, मैच मॉर्निंग में सुबह 7:30 से स्टार्ट होगा। और दोस्तों, मैच होने वाला है सर विवन रिचर्स स्टेडियम अंटिका वेस्ट इंडीज के अंदर मैच खेला जाएगा। यदि बात करें दोस्तों मैगी पिच की, तो बैलेंस विकेट मान के अपनी टीम को क्रिएट करेगा। हालांकि दोस्तों, बॉलर्स को एक्स्ट्रा रन पर एडवांटेज जरूर रहता है, लेकिन दोस्तों T10 एक छोटा फॉर्मेट है जहाँ पर बल्लेबाज पहली बॉल से अटैक करते हैं, जिससे रन तो ठीक ठाक बनते हैं लेकिन विकेट अच्छी खासी गिरते हैं। आप 80 से लेकर 100 के रेंज में स्कोरिंग देखेंगे, लेकिन अच्छे खासे विकेट गिरते हुए भी देखेंगे, तो बॉलर्स और ऑलराउंडर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले दोस्तों REN से। इस टीम की तरफ से आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे कडीम हेनरी, उनके साथ ओपन करने आएंगे जेरेमन ओटो। दोस्तों, सारे प्लेयर के रिसेंट के स्टेट्स हैं। रिसेंट में इनकी एक सीरीज हुई थी, अभी एक टूर्नामेंट हुआ था कूल एंड स्मूथ T20 करके, 2-3 दिन पहले वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, उसमें सारे प्लेयर्स खेले थे। हालांकि सारे प्लेयर्स कभी एक टीम के लिए नहीं खेले, अलग अलग टीम के लिए खेले थे, लेकिन वहाँ पे वो जिस पोजीशन में खेले हैं उस हिसाब से बैटिंग ऑर्डर प्रेडिक्ट किया गया है। तो ये बैटिंग ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा और सारे प्लेयर के रिसेंट के ही स्टेट्स हैं। कडीम हेनरी की बात करें, लास्ट के जो 5 गेम खेले हैं 20, 6, 6 और 0 का स्कोर है। बॉलिंग सारे मैचेस में कराई है, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। तो जो लास्ट के दोस्तों 4 मैच खेले हैं उसमें से बैटिंग से एक ही मैच में 20 का स्कोर है, लेकिन बॉलिंग सारे मैच में कराई है जहाँ इनको टोटल 5 विकेट मिला है, 1 गेंद में 2 विकेट, 1 मैच में 3 विकेट। तो अच्छे ऑप्शन आएंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप चाहें तो बना सकते हो, आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। प्लस आप इनसे 1 से लेकर 2 ओवर की बॉलिंग भी देखेंगे, तो बेहतरीन ऑलराउंडर है, जरूर ट्राई करें। जेरेमी नोटो उनके साथ ओपन करेंगे, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में लेंगे। GL में ही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि उतने कुछ खास इंपैक्ट वाले प्लेयर नहीं। लास्ट के जो 4 गेम खेले हैं 11, 6, 0 और 10 का स्कोर है, 2 ही मैच में 10 के ऊपर गए हैं। एवरेज ऑप्शन आएंगे, एक आज जेल में रोटेट कर सकते हैं। वन ऑफ बैटिंग करते देखेंगे एल्डो फ्रांसिस, जो कि राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक डालते हैं। अब ये भी कमाल के ऑलराउंडर हैं, लास्ट के जो चार गेम खेले हैं 3, 2, 54 और 17 का बैटिंग से स्कोर है, 3 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। बॉलिंग से भी आंकड़े बहुत अच्छे हैं, आखिरी के 4 गेम में 7 विकेट उन्होंने बॉलिंग से निकाले हैं और बैटिंग से भी एक 50+ का स्कोर है, बाकी 1 17 का भी स्कोर है। तो कमाल के ऑलराउंडर हैं, 2 ओवर की आपको पूरी बॉलिंग डालते हुए देखेंगे, 1 डाउन बैटिंग करेंगे, कैप्टनसी की भी एक बहुत अच्छे ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं। JBW की बात करें दोस्तों, 17, 24, 9 और 2 का स्कोर है, एक ही मैच में बॉलिंग कराई, जब इनको 1 विकेट मिला तो बॉलिंग के चांसेस बहुत कम रहेंगे, मिडल ऑर्डर बैटिंग करेंगे, एवरेज बल्लेबाज रहेंगे, क्योंकि T10 में टॉप 4 में भी कोई बैटिंग कर रहा है, टॉप 3 में बैटिंग कर रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अभी 4थे-5वें नंबर वाले की कितनी बैटिंग आएगी वो कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 10 ओवर का ही गेम होता है। बात करें दोस्तों नीनू हेनरी की, राइट हैंड मीडियम डालते हैं, लास्ट के 4 गेम खेले हैं, लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं कराई थी, लेकिन उसके बाद 0 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, बैटिंग से भी 21-10 का स्कोर है, तो ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग शायद आपको 2 ओवर की पूरी नहीं डालते हुए देखें, 1 ओवर जरूर डालेंगे, यदि वो अच्छा ओवर गए तो दूसरा भी डाल सकते हैं। बैटिंग भी मिडल ऑर्डर पर करेंगे, मतलब नीचे आकर थोड़ा बहुत फिटिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग से बैकअप देंगे, तो ठीक ठाक से ही पिक हैं। बात करें दोस्तों सवान मोरे की, राइट आर्म मीडियम है, लास्ट गेम में 1 विकेट, उसके बाद 0 विकेट, 2 विकेट और 4 में से 3 मैच में बॉलिंग कराई है, जहाँ पे इनको 3 विकेट टोटल मिला है, तो ठीक ठाक से ऑप्शन ए भी आपके लिए हो सकते हैं। जोसेफ थॉमस छोड़ दीजिएगा, नीचे खेलेंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। बात करें दोस्तों टीमो थॉमस की, राइट आर्म मीडियम, सारे मैचेस में बॉलिंग कराई, जो आखिर के 5 गेम खेले हैं, 0 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, आखिर के 5 गेम में 3 विकेट, इनको आप ट्राई कर सकते हो, 102 ये भी डाल सकते हैं। पीटर्स की बात करें, 0 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 4 विकेट, बॉलिंग से आंकड़े कमाल के हैं, लास्ट के 5 गेम में 1 मैच में 4 विकेट है, टोटल देखेंगे 8 विकेट लेने में, आखिरी के 5 मैच में सफल हैं, तो आप इनको जरूर ट्राई करिएगा। रिजी थॉमस की बात करें, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, आखिरी के 5 मैच में 4 विकेट, तो ये भी ठीक ठाक ऑप्शन हो सकते हैं। बूस्टर में जो कुछ खास लगे नहीं, आप इनको छोड़ सकते हैं। बेंच में दोस्तों 3 प्लेयर हैं, ये लोग शायद आपको खेलते हुए ना दिखे, 14 नंबर का स्क्वाड है, और ये प्लेइंग 11 आपको REN का देखने को मिल सकता है, बैटिंग ऑर्डर भी लगभग ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस मैच की हमारी मजबूत टीम रहने वाली है, HAW की टीम बहुत मजबूत है, इनके पास अच्छे बॉलर्स हैं, इनके पास अच्छे हिटर बल्लेबाज हैं, और इन्हीं को मैच जीतना चाहिए तो इनके फेवर में टीम बना सकते हैं। इनके भी सारे प्लेयर के रिसेंट के स्टेट्स में ये बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों इस मैच का जो फाइनल टीम मिलेगा टॉस के बाद आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो तुरंत ज्वाइन कर लें, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। 24,500 से ज्यादा लोग ऑलरेडी वहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। 50,000 की फैमिली अपनी बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है, और आपको समय से नोटिफिकेशन भी मिलेगी वीडियो की, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, HAW की तरफ से आपको ओपनिंग करते देखेंगे
जेमल फर्नांडिस उनके साथ ओपन करने आएंगे। ओवन ग्राहम की बात करें दोस्तों जमाल के जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। अब लास्ट के दोस्तों जो चार गेम खेले हैं तीन मैचेस में बॉलिंग कराई है, बैटिंग से 4, 28, 11 और 15 का स्कोर है, तीन मैच में बॉलिंग कराई जहाँ इनको एक गेम में 3 विकेट मिला। ग्रैंड लीग में सीवीसी कर सकते हैं, स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, हालांकि बॉलिंग करना चाहिए लेकिन एक ओवर तो मैं श्योर हूँ लेकिन दो ओवर शायद ना कराएं क्योंकि आखिरी के चार में से तीन ही मैच में बॉलिंग कराई है, बैटिंग से आपको ओपन करते हुए जरूर नजर आएंगे। इनके साथ ओपन करने आएंगे ओवन ग्राहम जो कि भी कूल एंड स्पोर्ट टी ट्वेंटी के अंदर भी ओपन कर रहे थे, लास्ट के जो चार गेम खेले थे बैटिंग से कुछ खास इंपैक्ट नहीं था, 2-2, 14 का स्कोर था, बॉलिंग सारे मैच में कराई थी जहाँ पर कूल इनको 3 विकेट मिला था, तो ठीक ठाक से ऑप्शन है। अपनी टीम मैच प्लेयर जरूर ट्राई करेगा, जीएल में सीबीसी कर सकते हो क्योंकि बॉलिंग भी अच्छी खासी डाल सकते हैं। माइकल डोवर की बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन से ले सकते हैं, लास्ट के जो 5 गेम रहे हैं 35, 2, 8, 10 और 4 का स्कोर है, एक ही अच्छा स्कोर आया है लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है और टॉप ऑर्डर खेलेंगे आप जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक ठाक पिक रहेंगे। बात करें दोस्तों जस्टिन अथानाजी की जो कि राइट हैंड बैट्समैन ऑफ ब्रेक डालेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बॉलिंग कंफर्म करते हैं, आखिरी के 4 गेम रहे हैं 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 0 विकेट, आखिरी के 2 गेम में 5 विकेट हैं बॉलिंग से, बैटिंग से भी आंकड़े अच्छे हैं, तीन मैच में बैटिंग आया है जहाँ पे 13, 29 और 32 किया है, मतलब जब जब मौका मिला अच्छा परफॉर्म किया है, T10 में टीम इनको कभी भी ऊपर भेज सकती है। अभी कूल एंड स्मूथ T20 चल रहा था, वहाँ पे नंबर 4 के आसपास खेले थे, इस नंबर 4-5 इनको खिलाया जा रहा था लेकिन टीम इनको वन डाउन में भेज सकती है, हीटिंग की जरूरत हुई ओपनर ज्यादा देर तक टिक जाते हैं तो हीटर्स को कभी भी ऊपर भेज सकते हैं, अच्छे हीटर माने जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। डेरन मिंडा की बात करें 1, 14, 9, 20 और 11 का स्कोर है, बतौर कीपर खेल सकते हैं, कीपिंग नहीं करेंगे तो फिर एक आतवा डाल सकते हैं, आखिरी के 5 में से 1 मैच में कीपिंग नहीं करी थी तो वहाँ पे मतलब कीपिंग तो नहीं, आखिरी के 5 में से 2-3 मैच में नहीं करी थी लेकिन 1 मैच में उन्होंने बॉलिंग कराई थी, बाकी सारे मैच में बॉलिंग नहीं कराई थी। इस टीम के पास दूसरे कीपर यहाँ से माइकल डोवर है, यदि डोवर विकेट कीपिंग कर जाते हैं तो फिर जरूरत पड़ी तो डेरन मिंडा एक आतवा डाल सकते हैं, बाकी आप माइकल डोवर के साथ ही जाइए क्योंकि टॉप ऑर्डर खेलते हैं, बेंटा नीचे ही खेलेंगे क्योंकि बॉलिंग का कोई गारंटी नहीं है, बैटिंग भी नीचे आएगी तो एवरेज रहेंगे। गेविन टोंगे की बात करें लास्ट गेम 1 विकेट निकाला था उसके पहले 8, 2, 27 और 10 का स्कोर है, बैटिंग बहुत नीचे खेलते हैं आप इनको भी छोड़ सकते हो। बात करें दोस्तों यहाँ पे टोपिन की राइट आर्म मीडियम सारे मैचेस में बॉलिंग कराई है और यहाँ पे 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, बैटिंग्स भी 1 मैच में 27 रन है तो ठीक ठाक पे हैं, आप ट्राई कर सकते हो स्पेशली ऐसी एप्लीकेशन पे जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी होते हैं क्योंकि आपको बैटिंग सेक्शन मिल जाएंगे जो कि ऑलराउंडर वाला काम करेंगे। विंस्टन लिंसन लेफ्ट ऑर्थोडॉक्स मस्ट हैव पिक, आखिरी के 4 में देखिए 9 रन, 2 विकेट, 5 रन, 1 विकेट, 3 रन, 1 विकेट, 2 विकेट, हर मैच में इनका विकेट है, 6 विकेट ले चुके लास्ट 4 मैच के अंदर तो मस्ट हैव पिक है, यहाँ से मौसम ज्यादा बॉलिंग करनी रहा तो इनको छोड़ सकते हो। एंटनी मार्टिन इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेग ब्रेक है, लास्ट गेम में 3 विकेट उसके बाद 3 विकेट, आखिरी के 2 गेम में 6 विकेट उसके बाद 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, अच्छे फॉर्म में 9 विकेट है लास्ट के 5 मैच में भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से माइकल हीरालाल तो होने चाहिए, 1 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, तो आप इनको भी जरूर लेके जाएं। बेंच में 3 प्लेयर हैं ये शायद ना खेलें, तो दोस्तों आपके सामने फोन से आप देख लीजिए यहाँ पे HAW का प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर लगभग ये देखने को मिल सकता है। इस मैच का टीम क्या चलिए देख लेते हैं, लेकिन जो भी मेरा फाइनल टीम होगा जिस टीम से मैं खेलूंगा मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ऑलरेडी वहाँ पर 24,500 ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं, जुड़ना बिल्कुल फ्री है, डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जल्दी से आप आकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों बात करते हैं हम इस मैच की टीम की, दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन से मैं माइकल डोवर के साथ जा रहा हूँ, स्मॉल लीग में एक अच्छे ऑप्शन है, हालांकि दोस्तों आप यहाँ पे जेरविन ओटो को भी ट्राई कर सकते हो ओपन करेंगे, डेरन मिंडा थोड़ा नीचे खेलेंगे तो आप जेरविन ओटो या फिर माइकल डोवर में से किसी के साथ जाए, मैं डोवर के साथ अभी जा रहा हूँ। बैटिंग सेक्शन में 2 प्लेयर लिए, कडी मेनरी मस्ट पिक रहेंगे, ऐसे जे फर्नांडिस भी मस्ट पिक रहेंगे, तीसरा जो बैटर लेना चाहो आप ऐसे एक्स टॉपिन को ट्राई कर सकते हो जो कि एक बॉलिंग ऑलराउंडर की हैसियत से खेलेंगे, बैटिंग शायद ना भी करें बतौर बॉलर खेलें, एक से लेकर 2 बार डाल सकते हैं तो आप इनको ट्राई कर सकते हो ऐसी एप्लीकेशन पे जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी है, एक ऑलराउंडर कम करके ले लीजिएगा। ऑलराउंडर सेक्शन में 5 प्लेयर लिए, जेथानजे मस्ट पिक रहेंगे, फ्रांसिस मस्ट पिक रहेंगे, डब्ल्यू नेल्सन और ऐसे ओ ग्राहम और टी थॉमस। अब दोस्तों जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं जहाँ पे मतलब चार ऑलराउंडर ले सकते हैं वो डब्ल्यू नेल्सन या फिर टी थॉमस से हटा के एक्स टॉपिन को ले लेंगे इनमें से किसी को हटा के। बॉलिंग सेक्शन की बात करें एम हीरालाल मस्ट पिक रहेंगे, एंटनी मार्टिन भी इंपॉर्टेंट है, आई पी टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों एक दो अच्छे प्लेयर और हैं, नीनू हेनरी को ट्राई कर सकते हो, एक आतवर के बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग से बैकअप देंगे, बाकी बूस्टर वगैरह को जेल में रोटेट कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन और टीम की फाइनल प्रीव्यू की, दोस्तों कैप्टन में कराया ऐसे एल रॉय फ्रांसिस को, वाइस कैप्टन दोस्तों मेरे ऐसे जे अथानाजे, दोनों ऐसे प्लेयर जो बैटिंग बॉलिंग दोनों करेंगे, ई फ्रांसिस आपको 1 डाउन खेलते नजर आएंगे प्लस 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे, अथानाजे आपको 2 डाउन खेलते नजर आएंगे प्लस ये भी 2 ओवर की बॉलिंग कराएंगे, तो इन दोनों को मैंने सीबीसी करा हुआ है और भी अच्छे ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन के, इन दोनों के अलावा ये दोनों तो मुझे स्मॉल लीग में बेस्ट लगे। इन लोगों के अलावा ग्रैंड लीग के अंदर आप ओ ग्राहम को बना सकते हो, एक आतवर की बॉलिंग कर सकते हो ओपन करेंगे, जे फर्नांडिस 1 ओवर के आसपास मैं उम्मीद कर रहा हूँ, कडीम हेनरी से भी 1 ओवर की उम्मीद कर रहा हूँ, प्लस जे फर्नांडिस कडीम हेनरी दोनों अपने टीम के लिए ओपन करते हैं तो आप इन दोनों को भी सीबीसी कर सकते हो, लेकिन इन दोनों का 2 ओवर कंफर्म नहीं है इसलिए मैं इन दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रहा, जीएल में करिएगा। बाकी दोस्तों जो लोग ऐसे एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी है और 4 ही ऑलराउंडर ले सकते हो तो ये जो 4 ऑलराउंडर हैं इनको रख लीजिएगा, यहाँ से थॉमस को भी रख लीजिएगा, देखिए बताता हूँ आपको ये जो 4 ऑलराउंडर हैं इन 4 को रख लीजिएगा, यदि आप ऐसे एप्लीकेशन पे खेल रहे हैं जहाँ पे 3 बैटर लेने जरूरी है तो
डब्लू नेल्सन की जगह इन्हीं की टीम का एक बॉलर है एक्स टॉपिन, जो कि बैटिंग सेक्शन मेंशन है, वो भी एक ओवर के आसपास डालेगा, तो आप उसको ले सकते हो नेल्सन की जगह। कहाँ पे ले सकते हो आप? जहाँ पे तीन बैटर लेन जरूरी है। बाकी जो लोग ड्रीम पे खेलें तो यही टीम यूज कर सकते हैं, मेरा यही टीम रहने वाला है। लेकिन जो मेरा फाइनल टीम बनेगा टॉस के बाद ड्रीम का और अदर प्लेटफॉर्म का, दोनों टीम मैं आफ्टर टॉस आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, जहाँ पर जुड़ना एकदम से फ्री है। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, आपने क्लिक करके तुरंत टेलीग्राम पर एंट्री ले लेना है। ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर 24,500 ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फ्री है, तो और कोई ज्वाइन करें, हम एकदम फ्री में सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पहले कमेंट में लिंक है, तुरंत ज्वाइन करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर ले, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगी हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस की। और हम 50,000 के बंद नजदीक हैं, आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो जल्दी पूरी हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के साथ साथ इंस्टाग्राम ट्विटर का भी लिंक दे रखा है मैंने, वहाँ भी फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो वॉच करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।